हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एजुकेशनल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो कि क्लास 10th पास आउट कर चुके हैं और इस समय बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है कि कौन सी स्ट्रीम वो सेलेक्ट करें, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स स्ट्रीम जिसको कहते हैं। तो ये जो सिस्टम जो भी था दोस्तों, आप लोगों को पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत पहले से ही चर्चा हो रही है और इस साल जून जुलाई से उसको लागू करने की बात भी चल रही है दोस्तों। जैसा कि आप जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, जो उनके ट्विटर अकाउंट से आप उनको देखते होंगे, ट्विटर अकाउंट का अगर आप उन पर फॉलो करते होंगे तो देखते होंगे कि वो अपडेट्स डालते रहते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो शुरुआत हो रही है वो जून जुलाई से हो सकती है, मीन्स इस सेशन से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ सकती है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या था दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि जो साइंस स्ट्रीम है, अगर कोई बच्चा क्लास 10th के बाद से, सपोज़ कीजिए कि कोई बच्चा है जिसको कि 10th क्लास में जिसका कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट वीक है, तो उसके वजह से उसको पूरा साइंस स्ट्रीम छोड़ना पड़ता था। सपोज़ कीजिए किसी बच्चे का, देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को पूरा समझा देता हूँ अच्छे से क्या ये ख़त्म हो गया है। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है, आप लोग साइंस स्ट्रीम लेते, अगर आप लोग क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम लेते तो आप लोग को जो फिजिक्स है, देखिए फिजिक्स मैंडेटरी था, केमिस्ट्री आप लोग के लिए मैंडेटरी था और मैथ मैंडेटरी था, और ये जो है बायोलॉजी आप लोग के लिए सारे मैंडेटरी सब्जेक्ट थे। इंग्लिश हो गया, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, मास मीडिया। अब पढ़ते हैं जो ये अगला, आप अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम लेते तो कॉमर्स स्ट्रीम में आपके लिए अकाउंटेंसी मैंडेटरी था, बिजनेस स्टडी मैंडेटरी था, इकोनॉमिक्स मैंडेटरी था दोस्तों, स्टैट्स वगैरह और इंग्लिश हिंदी ये सब आप लोग की जो अदर सब्जेक्ट होते थे उसमें आप लोग को लेना पड़ता था। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो ह्यूमैनिटीज़ में, अगर आप स्टूडेंट रहते तो आप लोग को ज्योग्राफी हो गया, क्योंकि दोस्तों आप लोग को बता दूं कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट थे दोस्तों। तो अब इसका सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग के लिए खुशी की बात है कि इस साल से हो सके तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाए, ये जो सिस्टम है कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, स्ट्रीम का सिस्टम पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप लोग अपने पसंद, जो आपकी पसंद होगी, सपोज़ कीजिए कि आपको फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता हो, सपोज़ कीजिए कि आपको फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता हो, इसमें से आपको फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता हो, ये फिजिक्स जो है ये आपको अच्छा लगता हो पढ़ने में, और अगर आपको मैथ्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है तो मैथ्स और केमिस्ट्री अगर आपको नहीं पढ़नी है, और आपको फिजिक्स के साथ अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पसंद है तो आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश हिंदी में से कोई एक लेना है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। उसके बाद से अगर दोस्तों आप लोगों ने आपका अगर मन किया कि आपको हिस्ट्री में आपकी जो पहले से क्लास 8th 9th से आपकी हिस्ट्री में आप अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना तो हिस्ट्री भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, हिस्ट्री। तो कोई भी फाउंडेशन, जो फाउंडेशन हुआ करती थी कि जैसे कि मान लीजिए आप सपोज़ कीजिए कि आपने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ले ली है, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम लेने के बाद से आपकी जो फाउंडेशन होती थी कि आपको यही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, इन्हीं में से कोई 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो इसका जो फाउंडेशन होता था वो फाउंडेशन अब ख़त्म हो गया है। आप चाहें तो जितनी भी स्ट्रीम सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, तो आप जितनी भी स्ट्रीम हुआ करती थी, जितने भी सब्जेक्ट है उसमें से आप कोई भी अपने हिसाब से 5 फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये फाउंडेशन हटा के बहुत ही अच्छा किया है सरकार ने, हो सके तो इस साल से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कई वीडियो देखे होंगे, आप लोगों को पता होगा कि क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अधिक से अधिक आप लोगों को अपने फेवरेबल सब्जेक्ट जो आप लोगों को पढ़ना है उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का मौका दिया जाएगा दोस्तों। अब ये मैंडेटरी, जितनी भी मैंडेटरी है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है आपके लिए। आपका मन करे तो फिजिक्स पढ़िए, आपका मन करे तो केमिस्ट्री छोड़िए, मैथ्स छोड़िए, मैथ्स आपका फेवरेट नहीं है, आपका मन करे तो कंप्यूटर साइंस लेके पढ़िए। उसके बाद से दोस्तों अगर आपका मन करे तो आप इकोनॉमिक्स लेके पढ़ सकते हैं, अगर आपका मन करे तो हिस्ट्री लेके पढ़ सकते हैं। तो ये सब है बिजनेस स्टडी, देखिए आज का जो ज़माना है वो डिजिटल का ज़माना है, बिजनेस माइंड का ज़माना है, एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है, तो आप मन करें तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी लेके पढ़ सकते हैं। तो स्ट्रीम सिस्टम का जो भी था सब कुछ वो ख़त्म हो जाएगा इस साल से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस साल से अगर लागू होती है तो आपका स्ट्रीम सिस्टम का जितना भी सब लफड़ा है वो सारा सिस्टम का आपका लफड़ा ख़त्म होने वाला है इस साल से दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, अगर कोई बच्चा अपने मन मुताबिक पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, स्ट्रीम की फाउंडेशन उसके हिसाब से ये ख़त्म हो चुकी है। तो अच्छा लगा होगा आप लोग को अगर ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल कंटेंट हमारे चैनल पर आप लोग को मिलती रहेगी दोस्तों। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, थैंक यू।